नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z6 5G वर्सेस Xiaomi Redmi 11 Prime 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 6.46 इंच जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 2.98 इंच जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो iQOO Z6 5G में 0.32 इंच जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iQOO Z6 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iQOO Z6 5G में 185 ग्राम्स जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 200 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iQOO Z6 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iQOO Z6 5G में 84.09% जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iQOO Z6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iQOO Z6 5G में Adreno 619 जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iQOO Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iQOO Z6 5G में अप टू 1TB जबकि Redmi 11 Prime 5 ग्राम्स G में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो IQ Z6 5G में दो कलर्स जबकि Redmi 11 Prime 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो IQ Z6 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 11 Prime 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो IQ Z6 5G में सात फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime 5G की तो उसमें सात फायदे और सात नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में IQ Z6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दूसरा Vivo Y72 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।